अगर ये मैं साबित ना कर सकूं मेरा गला काट दो। कबल इससे केस के ऊपर तबसरा करूं, शेख सादी मरहूम बड़ी खूबसूरत बात कह गए और मैं समझता हूं कि निचोड़ निकाल गए। महालस्त सादी के राहे सफा, महालस्त सादी के राहे सफा, तुआ रफ्त जुज दर पे मुस्तफा। मतलब ये है, फारसी का शेर है शराजी का, शेख सादी शराजी। वो कहते हैं कि ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा तसव्वुफ के, विलायत के, रूहानियत के रस्ते पर चल भी पड़े जुज दर पे मुस्तफा, मगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हट गया हो। ये याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हटकर उनकी नाफरमानी और उनकी अतात से दस्तबरदार होकर कोई शख्स अगर ये चाहेगा कि वो वलीउल्लाह, सूफी, बाबा, बुजुर्ग बन जाए तो, और अगर आप उसको मान जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं है फिर इस्लाम क्या है। आप जानते नहीं है कि इस्लाम की रूह क्या है। आप जानते नहीं है कि इस्लाम में जोहद और तकवा क्या है। आपको इल्म ही नहीं है। अब यहां मैं बुनियादी तौर पर दो तीन बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले सैयद इकरारुल हसन, जो कि पाकिस्तान में एक बड़े बेहतरीन एंकर माने जाते हैं सोशल अवेयरनेस के हवाले से, यहाँ रिश्वत का मामला हो, मिलावट का मामला हो, विमेन हरासमेंट का, रेप का मामला हो, गलगपट का मामला हो, चोरी चिकारी का, रिश्वत का मामला हो, इसी तरीके से जाली पीर जो इस्लाम के और तसव्वुफ के नाम पर तमाशे और पाखंड करते हैं, इस तरह के मामला हों, इनको एक्सपोज करने के हवाले से सैयद इकरारुल हसन एक अपना ही नाम रखता है। मगर यहां एक चीज मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि जनाब, मैं ये समझ रहा था कि जब सैयद इकरारुल हसन ने 14 फरवरी को, जो कि आज है, डेट दी थी, वो वाली डेट नहीं यार, आप लोग ना बस बहुत खतरनाक लोग, वो आपके सामने बोलते हुए भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। 14 फरवरी अब आ गई थी कोइंसिडेंटली, तो वो डेट दी उन्होंने, वो दूसरी डेट नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने डेट देनी थी इस चीज के ऊपर कि मैं आपके आस्थाने पर आ रहा हूं और आकर बात करने लगा हूं, और मैंने आपके सामने ये चीज रखनी है कि जनाब, ये टीटो पार्टी और ये चुप चुप जो आपने फू फू मारकर जो ये बदबूदार फूंके मार रहे हैं, इन बदबूदार फूंकों का मैंने पोल खोलना है। ये उन्होंने मामला रखा, ठीक है। हाँ, नीचे एक भाई कह रहा है 300 से चुप करें तो 3500 हो जाते हैं। हाँ, ये वही है, चुप, ये वही वाली चीज है। अच्छा, उसने कहा मैं आकर ये करूंगा। मैं ये सोच रहा था कि इकरारुल हसन के प्रोग्राम सरेआम नामी जिसने देखे है ना, वो बंदा तो क्रिस्टल क्लियर इस चीज पर होगा कि 14 फरवरी 2024 तो क्या, ये 31 फरवरी 2070 में भी हक खतीब शहनशाह साहब उनको अपनी दरगाह बलावड़ा शरीफ के अंदर आने नहीं देंगे। ये मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ था। मगर टोटली कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड इकरारुल हसन साहब गए, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मेहमानों की तरह उनको अंदर बिठाया, गपशप की है, और उसके बाद जो भी तमाशा करना था किया है, वो तो बाद में आपने देख लिया अभी वीडियो के अंदर जो भी तमाशा हुआ, शोर शराबा हुआ। मगर कम से कम उसने एंटर करके चाय पानी पूछा, मेहमानों की तरह बिठाया इकरारुल हसन को। मैं सोच रहा था निकल कर खान काहों से अदा कर रस्म शब्बीरी इकबाल कहा करते थे, तो हक खतीब साहब इस मामले के अंदर तो बहुतों से बेहतर निकले कि जो आने की दावत तो देते हैं मगर दरवाजे से ही वापस भेज देते हैं, फिर चाहे कोई कराची से आए या इस्लामाबाद से या लाहौर से। अब ये लाहौर वाला मैंने जो कहा है वो कुछ हमारे अपने हैं, नाम नहीं लेता मैं क्योंकि मकसद है मसला समझाना। मैं ये कहने लगा हूं कि हक खतीब ने कम से कम मेहमान के तौर पर एक्सेप्ट किया है। हाँ, दरवाजे खोले हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो वाला चक्कर नहीं किया, बल्कि पुलिस इधर से आई हुई थी। खैर, 12 बजे पुलिस का होना जरूरी है, मगर आंटी कम वक्त 12 बजे के बाद बुला लेती है ना, दिक्कत ये है भाई, कार्रवाई शुरू ही 12 बजे के बाद होती है तुम्हारी। यार खुदा खौफ करो, मुझ पे भी किसी पार्टी का फतवा लगवाना यार, किसी पे थानवी रसूलुल्लाह का फतवा लग रहा है, किसी पे चिश्ती का लग रहा है, मेरे ऊपर भी लगवाओगे क्या? हैं, तुम्हारी ये दो हाथ जुड़े हुए हैं, तुम्हारी मेहरबानी, मुझ पे ना को फतवा लगवाना यार मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ, आपकी मेहरबानी यार, मेरी कोई पार्टी शार्टी नहीं है। तो सवाल ये है कि हक खतीब साहब ने एंट्री करवा दी, अब जो तमाशा लगा है वो तमाशा बड़ा खतरनाक लग गया। इतना तो मैं जानता हूं कि हक खतीब के सामने बैठने का कुछ मामला यही होना था,
ये तो हकीकत है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी एक मौलाना साहब ने, जिनका नाम नासिर मदनी साहब है, जानू आई एम इन मस्जिद, वो वाली सरकार, तो नासिर मदनी साहब पहले एक बार, उसके बाद उनको बाजू झेलना पड़ा था, जिसकी ताब ना लाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और दीवार की तरफ मुंह कर कमीज उठाकर कैमरे में जूम कर दिखाना पड़ा कि सर इधर भी मारा है, सर उधर भी मारा है, और वहां वहां मारा है जहां जहां हम दिखा नहीं सकते। वो तो बेचारा फिर जाके लोगों ने ताजियत भी की। इकरारुल हसन जो है ये जर्नलिस्ट है। मैं हकीकी मानों के अंदर समझता हूं कि इकरारुल हसन ने बड़ा दलेरी के साथ, सिर्फ कैमरे पर बैठकर नहीं मेरी तरह, सिर्फ अपने कमरे के अंदर बैठकर नहीं मेरी तरह, सिर्फ अपने चैनल पर बैठकर नहीं मेरी तरह, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को आगे बिठाकर नहीं मेरी तरह, सिर्फ प्लैनेट अर्थ के ऊपर टेबल पर हाथ मारकर मेरी तरह नहीं, बल्कि इकरारुल हसन ने जनरली मैदान के अंदर उतरकर आज के उन पाखंडियों को ललकारा है और ललकार कर वाकई सैयदजादा होने का हक अदा कर दिया है, अगर तो वो है भाई, क्लेम ही है ना, क्लेम कर रहे हैं तो हम मानते हैं, ऑनर करते हैं। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, तो इकरारुल हसन साहब तो मैदान के अंदर निकले हैं। अब बाकी जो कभी किसी के सामने बैठे ही नहीं, कभी किसी के मुंह लगे ही नहीं, कभी किसी से कुछ कहा सुना ही नहीं, वो अगर दूसरों से गिला करेंगे तो चेमाना दर। दोबारा ये बड़ी काम की बात है कि इकरारुल हसन को सपोर्ट करना चाहिए, दलेर माँ का बच्चा है वो, माशाल्लाह, जिंदाबाद इकरारुल हसन साहब। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, एक किताब है मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, इब्ने तैमिया, लाख इख्तलाफ आप करें, इनका नाम किसी वजह से दे रहा हूं। इब्ने तैमिया जो के 728 के मुतवफा हैं, इनकी एक किताब है अल फुरकान बैन औलिया रहमानी व शैतान, ठीक है जी, ये इनकी किताब है, अरबी में है, गालबन मेरे ख्याल से तसव्वुफ के नाम से शायद उर्दू के अंदर है, मगर मैं गलत नहीं, या फिर शायद इसी नाम से है, औलिया और रहमान व औलिया और शैतान, इसमें फर्क। बड़ी प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, आप लाख इख्तलाफ करें मगर इस किताब यानी मौजू इतना मुनफरिद है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगु की है इब्न तैमिया ने नॉलेज के एतबार से, तो पढ़ने वाली किताब है। मैंने करीबन कुछ 4-5 साल पहले ये मेरी नजर से किताब आई थी, जब डामाडोल था मैं, तो उस वक्त ये किताब आई, क्योंकि वो डामाडोल जब आप होते हो तो आप क्रिटिकली चीजों को देख रहे होते हो, तो ये क्रिटिकल एनालिसिस है तसव्वुफ के नाम पर जारी किए हुए कुछ शैतानी पाखंडों को क्रिटिकली एनालिसिस किया गया। इब्ने तैमिया का नाम इसलिए लिया है कि इब्ने तैमिया को सूफियों के कब्रिस्तान में दफन किया गया है शाम के अंदर, नंबर वन, एक ये वजह थी। दूसरी वजह यह है कि इब्ने तैमिया ने मकारिमुल अखलाक नामी किताब लिखकर तसव्वुफ का पॉजिटिव इमेज भी पेश किया है। इसी तरीके से इब्ने तैमिया ने मजमूए फतावा के अंदर एक पूरा वॉल्यूम है तसव्वुफ के नाम से, बल्कि मेरे ख्याल से 1.5 वॉल्यूम है, वो भी पढ़ने से ताल्लुक रखता है, नंबर 3। नंबर 4, इब्ने तैमिया के शिगिर्द इब्ने कय्यम अल जौजी, जौजिया, इब्ने कय्यम अल जौजिया, उनकी किताब है मदारजुस सालिकीन भी है, किताब रूह भी है, और मेरे ख्याल से शायद अगर मैं इगासतुल लहान या लफहान इस तरह करके कुछ नाम है उसका, मुझे भूल रहा है, वो भी उनकी किताब, अगर किसी ने पढ़नी हो जरूर पढ़े। जो मैं बात रखने लगा था वो ये है कि जैसे सादी का शेर मैंने आपके सामने पढ़ा कि महालस सादी के राह सफा तवा रफ्त जुज दर पे मुस्तफा, ये इस बात का नक्शा खींचता है सादी का शेर के तसव्वुफ के रस्ते में अगर आपने जाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से आप निकल नहीं सकते, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। अब कोई कह सकता है कि जी आपने अपनी तरफ से बातें की हैं, आयत तो कोई पेश नहीं की, आयत हम पेश कर देते हैं, बाकी कुरान की मोहर भी उस पर लग जाए, तो सूरह निसा है ये, चैप्टर 4 है, वर्स नंबर है 69, यहां आपने देखना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युतिअल्लाह वर रसूल, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत, फाउलाइका मअल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। ये आयत कयामत में मईयत के हवाले से जिक्र कर रही है, जैसे बुखारी शरीफ के हदीस है 4586, तो 4586 के अंदर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा रवायत कर रही हैं कि जब आप जहाने फानी से कूच करने लगे थे तो आप इलर रफीकल आला इस तरह करके अल्फाज औकमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज कह रहे थे, तो हजरत आयशा ने कहा मुझे पता चल गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह कहा था कि जब भी किसी नबी पर आखिरी वक्त आता है तो उसको
दुआ दी जाती है, ऑप्शन दी जाती है कि क्या आप ताखीर चाहते हैं या आप आना चाहते हैं वापस। हजरत आयशा ने फरमाया तो अल्लाह के रसूल ये जुमला बोल रहे थे कि मैं अपने रफाका की तरफ जाना चाहता हूं, तो मुझे समझ लग गई कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया है, अब आप मजीद जिंदा नहीं रहेंगे। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं चंद दिनों के बाद आपकी वफात हुई। ये आयत हजरत आयशा ने कोट की क्योंकि कुरान में यह लिखा हुआ था कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वही है कि जिन पर अल्लाह इनाम करेगा नबियों में से, सिद्दीकीन में से, शुहदा में से, सालहीन में से, कि वो उनके साथ हो जाएंगे। वह हसुना उलाई का रफीका, और ये बड़ी प्यारी रफाकत है, ये चीज उन्होंने रखी, बड़ा प्यारी दोस्ती है। अब यहां एक नुकता समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, जिस वजह से मैंने आयत रखी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत ही ये इनाम अता करती है कि नबियों की, सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालहीन की सोहबत मिल जाए, उनकी कंपनी मिल जाए, उनकी गैदरिंग मिल जाए। अल्लाहु अकबर, तो ये रुतबे कैसे इताअत के बगैर मिल सकते हैं? तवज्जो कर रहे हैं, जिन रुतबों की सोहबत इताअतुल्लाह और इताअत रसूल के साथ मुअल्लक है, वो रुतबे कैसे इताअत के बगैर मिल जाएंगे? अब यहां मैंने उमूमी जुमला कहा है, मगर यहां हम चूंकि औलिया अल्लाह को या जो सूफिया औलिया की कैटेगरी में खुद को डालते हैं उस हवाले से परखने की बात कर रहा हूं। सिद्दीकीन, क्योंकि नबी तो आने से रहे, नबी तो नहीं आएंगे, ठीक है। 4436, थैंक यू, एक भाई ने नीचे 4436, मैं 4486 कह रहा था, अब चेक कर लीजिएगा 4436 है, फिर इसका मतलब है मैंने 8 गलत कह दिया, भाई ने कोट कर दिया दीस नीचे। अच्छा खैर, अब नबी तो आने से रहे क्योंकि ला नबी आबादी, तवातुर के साथ अल्लाह के रसूल ने कह दिया, कुरान की आयत है, कतई दलाला कतई सबूत, खातमन खातमन नबीन वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीन। अब सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन ये औलिया की कैटेगरीज हैं, अब ये रुतबे की सोहबत इताअत के बगैर नहीं मिल सकती, तो कैसे मुमकिन है कि ये रुतबे इताअत के बगैर मिल जाए? ये कतई नस है इस एतबार से कि आपने कभी किसी बंदे की विलायत को या किसी बंदे के नेक और मुत्तबे होने को जज करना हो तो सिवाय उसके अमल के नहीं होगा। तो ये मिसाल ले लें, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमें कह रहे होते हैं ना जी वलीउल्लाह सच्चे झूठे कैसे पता करें, फलाना करें फलाना कैसे कैसे पता करें। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, भाई आपसे सवाल करने लगे, कमेंट में बताना है डॉक्टर को कैसे वेरीफाई या आप रियलाइज करेंगे कि ये जो बंदा जा रहा है या डॉक्टर है, क्योंकि अभी आपने बात नहीं की दूर से। कैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में गए हैं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, कोट पहना होता है डॉक्टर का, व्हाइट कलर का ड्रेस कोड, यस उसने कोट पहना होता है, ऐसे ही पहचानते हैं एग्जैक्टली। अब पुलिस वाले, आर्मी वाले, ये सारी मिसालें आप खुद सोचते जाएं, कैसे पहचानेंगे? अपीयरेंस से, यूनिफॉर्म से, ऐसे ही है ना, ड्रेस कोड इससे पहचानते हैं। अब क्या हुआ, मसला बन गया, यहां मसला यह बन गया कि विलायत भी प्रोफेशन बन गया, और प्रोफेशन के लिए चाहिए होता है यूनिफॉर्म, वो लोगों ने पहन लिया। प्रोफेशन के लिए होता है यूनिफॉर्म, वो लोगों ने पहन लिया। जब लोगों ने पहन लिया तो आप जैसे हॉस्पिटल में दाखिल होकर दाएं बाएं देखते हैं, कोट देखकर समझते हैं कि डॉक्टर है, डिग्री तो चेक नहीं की, उसका ऑपरेशन थिएटर तो चेक नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस तो चेक नहीं की, क्योंकि कई दफा इंटर्नी के ऊपर भी आए हुए मेडिकल के स्टूडेंट्स ने कोट पहने होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपने तो ट्राई नहीं किया, तो आपको लग जाएगा धोखा। यूनिफॉर्म की वजह से, प्रोफेशन बन जाने की वजह से आपको यूनिफॉर्म नजर आया, यूनिफॉर्म की वजह से आपको यह मामला लगा। अब कुरान ने क्या कहा था, कुरान ने कहा था अमल फैसला करेंगे, अमल, अमल से खाली खोखले। अब जहां लंबे बाल देखे, लंबी दाढ़ी देखी, बड़ी सी पगड़ी देखी, जुब्बा देखा, समझ लिया कि ये वलीउल्लाह है, ये यूनिफॉर्म बन गया ना, ये तो कभी भी उतर सकता है, कभी भी पहना जा सकता है। हाँ, फिल्मों के अंदर नकाब पढ़ाने वाले ने भी यही जुब्बा पहना होता है। तो मकसद कहने का ये है कि ये समझना चाहिए था हमारे मुसलमानों को, शऊर बेदार करने के लिए, कि इंसान को उसके अमल से पहचाना जाता है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल या दीन की इताअत कर कितनी रहा है। अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की इताअत कर रहा है
फिर हम उसे नेक आदमी भी तसव्वुर कर सकते हैं, हाल आदमी तौर पर नहीं, यह मिसाल है। बाकी विलायत वली आसान लफ्जों में दोस्त को कहते हैं। दोस्ती का ताल्लुक इतना गहरा और इतना प्राइवेट होता है, इतना सब्जेक्टिव होता है कि दूसरे इंसान पर तो खुल ही नहीं सकता कि मेरे किससे ज्यादा प्यार है, किससे कितनी दोस्ती है, ये तो दुनिया के सामने आ ही नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आम लोग चंद लोगों को औलिया अल्लाह की डिग्री अता करते रहें, उनको बुजुर्ग और सूफी और बड़ा मानते रहें, जबकि हमारे पास खुद भी एबिलिटी नहीं है कि उनको जज कर सकें या परख सकें। सिर्फ एक जात थी, सिर्फ एक जात, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जा चुके। अब उनके बाद कोई नहीं किसी को डिग्री दे सकता कि फलां फिल जन्ना, फलां फिल जन्ना, फलां फिल जन्ना। क्या तुम पसंद करते हो किसी जन्नती को देखो तो इसको देख लो, ये कौन कह सकता है? किसकी जुर्रत है को पर मार सके? किसका इख्तियार है कि जो ये खबर दे सके? ये तो बात खत्म हो चुकी है। तो आज वो लोग जिन लोगों को अपनी आखिरत का पता नहीं, वो औलिया अल्लाह के सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं। वाह, हुआ था सर कलम कासिदों का, ये तेरे शहर में दस्तूर देखा, ये हमने देखा है तुम्हारे पास ही। खैर, ये गुफ्तगू थी। ये याद रखना चाहिए, अल्लाह के अंबिया अलैहिम सलातु वस्सलाम अजमाइन, अल्लाह के औलिया अलैहिमुर रहमा वस्सलाम वस्सलात अजमाइन, उन सब पर करोड़ों करोड़ रहमतें हों। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह तू जानता है तेरे दोस्त कौन है, अल्लाह तू जानता है तेरे महबूब कौन है, ये तू जानता है, हम नहीं, ये हम नहीं जानते, अल्लाह की जात जानती है, इसीलिए उसके हवाले कर दो। बहुत शुक्रिया। इन्हीं दो इब्तदाई पॉइंट के साथ, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मेरी बात अगर किसी के दिल को दुखाई हो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मगर मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, बंदाए परवर मुनसफी करना खुदा को देखकर, बहुत शुक्रिया। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, बहुत मशहूर है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे रे, मोहम्मद से वफा, कहने वो बहुत कुछ है इस पर, आगे भी कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, बस वफा एक से करनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ वन एंड ओनली अस्तक नकवी साहब माशाल्लाह आज मौजूद हैं, हमारे नाब बड़े प्यारे गेस्ट बनकर आज इन्होंने हमें शर्फ बख्शा है, तो आवाज हक स्टाइल में इनको वेलकम करते हैं। नकवी साहब को अहलन वसालन हजरत, कैसे सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है इंशाल्लाह आप भी खैरियत से हैं। तमाम नाजरीन हाजरीन सबको सलाम अर्ज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी वार्म वेलकम आपकी। माशाल्लाह गुफ्तगू से हमने भी इस्तेफादा किया और इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं जरूर चाहूंगा अगर आप जो बात हम कर रहे थे उस पर अगर जरा भी बिल्कुल इजाफा करना चाहें तो जरूर करें, मैं सिर्फ एक बात कर दूंगा ताकि आप उस पर करना चाहें तो जरूर पिक करें। तो यार आप एक मिनट के लिए सोचें, अल्लाह की जात अपना एक नुमाइंदा अंबिया की सूरत में भेजते हैं, वो नुमाइंदा अल्लाह की तर्जुमानी करता है, ठीक है, वो तर्जुमानी करता है, अल्लाह उससे हम कलाम है, अल्लाह उस जो जाते मुतहर है माशाल्लाह जो नबी है उनसे हमेशा के लिए राजी हो गया हुआ है, तभी उनका खास एहतमाम होता है। मुझे ये बताएं, शरीयत का एक शोशा अंबिया नहीं तोड़ते ना उससे इनकार करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये लोग शरीयत को बदल दें, शरीयत पर अमल ना करें, शरीयत को पसे पुश डाल दें और इस उसके बाद भी फिर विलायत का और जनाब बड़े बड़े ओहदों का और बड़े बड़े जनाब स्टेटस का क्लेम करना शुरू कर दें, ये मुमकिन कैसे है? एक रात मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम फिदाहु अबी व उम्मी इबादत में मशगूल थे, इस कदर गमगीन थे, इस कदर आप अपनी उम्मत के लिए अफसुरदा थे और इस कदर रऊफ और रहीम थे, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन थे कि आपकी आंखें अश्कबार थीं और आपका सर आजियो इनकिसारी में बारगाह इलाही में झुका हुआ था, आपके हाथ जो हैं वो कयाम के लिए तो रुके हुए थे मगर दिल मचल रहा था कि मेरी उम्मत के लोग हिदायत पा जाएं, ऐसा समा था और आप जो है वो रो रहे थे।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा आप हैरान और परेशान रहीं, आप सोच में डूब गईं, क्योंकि आप उस रुतबे को, उस सिलसिले को अपनी आंखों से देख रही थीं। आपने रसूलुल्लाह जब फारिग हुए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल आप इतना परेशान, इतनी गिरियाजारी अल्लाह के सामने, इतनी आजजी उनके सारी अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल आप तो उसके महबूब हैं, आप पर तो खास करम और रहम है, आप पर तो एक जिम्मेदारी है जिसके इवज तो अल्लाह आपकी तरफ इस तरीके से आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपको किसी किस्म की जो है ना वो तंगी और मुश्किल का सामना हो, आप इतना इबादत में मशगूल। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुने, यार बंदा हैरान परेशान हो जाता है, और मैं फिर अपनी तरफ देखता हूं, मैं कहता हूं यानी कि जिक्र भी करना मुनासिब नहीं, मैं अपने आप को देख कहता हूँ डुब मरोए, हमारी हैसियत और औकातें क्या हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अफला अकूनु अब्दन शुकूरा, क्या मैं अपने अल्लाह का अब्दन शुकूर, शुक्र गुजार बंदा ना बन जाऊं, हम्बल बंदा ना बन जाऊं, कि उसने मेरे पे ये खास करम फरमाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। अंबिया को जब मनसब दिया जाता था तो उनसे छिनने का डर नहीं होता था, क्योंकि अंबिया की हिफाजत खास अल्लाह फरमाते थे, मगर आज जो इनकी सारी है कि कूट कूट के भरी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो चंद बातें दीन के लिए कह सकें, मगर गुरूर, तकब्बुर, रऊनत और इस कदर जो है ना वो जाहो हशमत अपने अंदर रखते हैं कि कभी कभी उनको देखकर डर लगने लगता है कि यार ये जुर्रत कैसे हो रही है। जी माशाल्लाह, आपने जो है गुफ्तगू जो की है बेहतरीन है, काफ़ी और शाफी और वाफी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो उस पर तबसरे की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो माशाल्लाह तफरीक बयान की है जो औलिया और रहमान है और औलिया और शैतान है उनके मुतालिक, और के जो है आपने किस तरह से शनाख्त करनी है कि कौन हकीकतन है, बल्कि हकीकी शनाख्त तो ज़ाहिर है वो सिर्फ अल्लाह वही के ज़रिए से ही हो सकती है, या अल्लाह खबर देगा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देंगे, उसके अलावा हकीकतन तो हमें नहीं इल्म हो सकता कि कौन वलीउल्लाह है, नहीं है। बस अलामात कुछ हैं जिसके ज़रिए से हमारा इम्कान कभी हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही उसको यानी नवाकिज़ हैं जिससे मालूम हो जाता है ये तो हो ही नहीं सकता, मसलन जो शरीयत का ताबे ही ना हो, मुतबे ही ना हो, वो तो फिर 100% कन्फर्म हो गया ना कि ये तो है ही नहीं। लेकिन तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि अगर किसी में सारी चीज़ें यानी जो ज़रूरी उसकी शुरूत हैं पाई जाती हैं तो उसका इम्कान बन जाता है, 100% तो तब भी हम नहीं कह सकते कि वो वली है या नहीं है। तो बस ये मेरे ख्याल से एक आवाम को ज़रूरत है समझने की चीज़ें कुछ बुनियादी तौर पर, और माशाल्लाह बाकी तो आपने बेहतरीन गुफ्तगू की है, तो प्रोग्राम को मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।